नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियलमी का 10,000 mAh पावर बैंक का अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए अगर आपको जानना है रियलमी के इस पावर बैंक के बारे में कैसा दिखता है, कितना प्राइस है और क्या क्या इसका फीचर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं अनबॉक्सिंग इस रियलमी का पावर बैंक का। तो यहाँ पे पीछे की तरफ देख सकते हैं कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे क्विक चार्ज पर मोबाइल, क्विक चार्ज पर लैपटॉप, इनपुट एंड आउटपुट क्विक चार्ज, और उसके बाद 12 लेयर का प्रोटेक्शन है और डुअल आउटपुट, यहाँ पे दो पोर्ट है, दो मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हैं, और हाई कैपेसिटी लिथियम पॉलीमर बैटरी दिया है इसमें। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं, अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। तो जनरली ये तीन कलर में आता है लेकिन हमारे पास अभी एक ही कलर अवेलेबल है, जो देख सकते हैं आपका ब्लैक या बोलते हैं या फिर ग्रे बोल सकते हैं, कलर जो है ग्रे कलर का। तो इसका डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे रियलमी का लोगो है ऊपर, और पीछे इसका कुछ सीरियल नंबर वगैरह लिखा है। ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये USB पोर्ट और टाइप सी। इसकी खास बात यह है ये टाइप सी है, आप इसमें चार्जिंग के लिए भी टाइप सी और आउटपुट भी टाइप सी वाला आपको यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक USB पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है। यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिसको दबा के आप पता चल जाएगा आपको कि आपका पावर बैंक जो है कितना परसेंट चार्ज है। चार लाइट है यहाँ पे, मतलब चारों जले तो 100%, एक जला तो 25%, दो जले तो 50%। और इसके अंदर क्या है हम देख लेते हैं, एक क्विक स्टार्ट गाइड है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट गाइड है, और यहाँ पे आपको एक केबल मिलेगा, ये भी आपको USB 2 टाइप सी है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। और एक ख़ास बात है इस पावर बैंक का, यहाँ पे जो टाइप सी का पोर्ट है वो आपको डुअल पोर्ट है, मतलब इनपुट और आउटपुट आप उससे पावर बैंक को चार्ज करेंगे, और टाइप सी टू टाइप सी केबल लगा के आप उसमें से फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो मतलब दोनों काम करेगा, एक ही पोर्ट जो है जो दोनों काम करेगा, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करेगा, और इसके अंदर और कुछ है नहीं। तो हम अभी हमारे फ़ोन को चार्ज करके, मेरे पास A50 है सैमसंग का, मैं चार्ज करके दिखा रहा हूँ ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है या नहीं। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। और बात करते हैं इसके प्राइस की, इसका प्राइस है मार्केट प्राइस जो है मैं बता रहा हूँ 1400 रुपये का प्राइस है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा है बाकी पावर बैंक से, जैसे कि MI का आपको 950 रुपये मिलता है, लेकिन ये टाइप सी का है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, 1400 रुपये में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप इसको ले सकते हैं। देख सकते हैं देखने में काफ़ी स्लिम और काफ़ी अच्छा दिख रहा है फ़ोन, देखिए मेरे फ़ोन जितना है उतना ही बड़ा है पावर बैंक, मोटा थोड़ा है लेकिन पता नहीं चलेगा आपको पावर बैंक पकड़े हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। जय हिंद।